नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। समंदर में चल रही है जिंदगी से जंग। जी हां, ताऊते तूफान की वजह से सागर की लहरों से घिरा एक जहाज और उसमें फंसे 96 लोगों को बचाने के लिए सुबह से ही लगातार ऑपरेशन जारी है। दरअसल जहाज में फंसे 273 लोग थे, लेकिन कल रात से अब तक जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में 177 लोगों को बचा लिया गया है। वैसे कल से अब तक अलग अलग रेस्क्यू ऑपरेशन में 9 खाता जहाज बीच समंदर में नौसेना के 2 युद्धपोत और एक जहाज में फंसे 273 लोगों को बचाने की जद्दोजहद। ये तस्वीर अरब सागर के उसी रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे कल नेवी ने शुरू किया था। चक्रवात की वजह से जहाज P-305 मुंबई हाई के हीरा ऑयल फील्ड तट से दूर चला गया था। समंदर की लहरें हिलोरे मार रही थी, ताऊते तूफान तबाही मचाने पर आमादा था। संकट को भांपते ही नौका में मौजूद चालक सदस्यों ने नौसेना से गुहार लगाई और मदद की गुहार सुनते ही एक्शन में आ गई नेवी। समंदर में फंसे बार्ज P-305 में 373 लोग फंसे हुए थे। उनकी जिंदगी बचाने के लिए नेवी ने सबसे पहले INS कोच्ची को मदद के लिए भेजा। INS कोच्ची के बाद INS कोलकाता और INS तलवार को रेस्क्यू ऑपरेशन में उतारा गया। ऑफशोर सपोर्ट वेल्स अहिल्या और ओजन एनर्जी को भी तत्काल मदद के लिए रवाना किया गया। नेवी का पूरा अमला कल देर रात से 273 लोगों की जिंदगी बचाने में लगा रहा। सुबह हुई तो P-81 सर्विलांस एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया। समंदर में कल मानो तूफान का दिन था। ये तस्वीर एक अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन की। INS कोलकाता ने पोत वरप्रभा के लाइफ राफ्ट से भी 2 लोगों को सुरक्षित बचाया। समंदर से रेस्क्यू करने के बाद इन्हें नौसेना के हेलीकॉप्टर से सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया गया। बार्ज P-305 ही नहीं, 137 लोगों से भरा एक और बार्ज गैल कंस्ट्रक्टर भी मुंबई कोस्ट से 8 समुद्री मील दूर कोलाबा पॉइंट से दूर चला गया था। इमरजेंसी टोइंग वेसल वाटर लिली की मदद से सभी 137 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। समंदर के सिपाही एक बार फिर देवदूत साबित हुए। समय पर जाबाजी से एक्शन लेकर नौसेना ने सैकड़ों जिंदगी बचा ली। तूफान ताऊते तो गुजर चुका है, लेकिन जो लोग उफनते समंदर से सुरक्षित निकल गए वो रेस्क्यू ऑपरेशन के इन लम्हों को कभी नहीं भूल पाएंगे। आज तक देव मुस्तफा शेख इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ ताजा जानकारी के साथ। मुस्तफा, किस तरह की दिक्कतें, कौन से वो चैलेंजेस आए इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि मुंबई में तो इस वक्त भी तेज हवाएं और बारिश है। जी बिल्कुल, हम आपको दिखाएं कि गेटवे ऑफ इंडिया पर ही हम इस वक्त मौजूद है और वैसी शोर है जहां से बार्जेस दिखते हैं INS कोलकाता और दूसरे इंडियन नेवल शिप जिसके लोगों को रेस्क्यू किया गया। अगर कल रात में या शाम में हम लोग यहां पर मौजूद होते तो शायद खड़े नहीं हो पाते। इतनी तेज हवा मुंबई में शाम से चल रही थी और 100 किलोमीटर पर आर से ज्यादा की स्पीड की यह हवा थी। अब उसमें रेस्क्यू ऑपरेशन करना एक सच में आप कह सकते हैं कि जाबाजी दिखाने वाला काम इंडियन नेवी की तरफ से किया गया है। जब उन्हें रेस्क्यू कॉल आया तब ये कहा जा रहा था कि वहां तक शिप तक पहुंचना भी बहुत मुश्किल है, लेकिन सारे रिसोर्सेज को एक तरह से जोड़कर 177 लोगों को रेस्क्यू किया गया है इन दोनों शिप से। तो जब हम लोग तट पर थे तब अरेबियन सी से जो हवा आ रही थी वहां पर हम रुक नहीं पा रहे थे, तो नवल शिप्स जो अंदर थी समंदर में उनके लिए कितना डिफिकल्ट ये वक्त रहा होगा। और ये रेस्क्यू सच में कभी